पुण्य पत्ति की है अपने अयोध्या प्रसाद जी, हमारे जो दादाजी थे, जो राजन जी के दादाजी हमारे फैमिली मित्र है, आज उनने इतना बड़ा फंक्शन रखे, उनको जो श्रद्धांजलि जो हमने दी है, बस हम तो यही चाहेगी उनकी जो आत्मा को शांति, और उनने जो भी हमारे देश के लिए किया है बहुत बहुत ही बड़ा किया, और हम उस देश की आज़ादी की रक्षा करने में सब समर्थ है, और देश की रक्षा ही हमारा मेन मकसद होना चाहिए। देश से बढ़कर दुनिया में, हमारे देश से बढ़कर दुनिया में कोई 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 चीज़ नहीं है। माँ माँ के बाद मातृभूमि, और हम सब एक है। और राजन जी का आज मैं तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैं चीफ गेस्ट रखा और इतना बड़ा सम्मान दिया मुझे। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर दिल से धन्यवाद। आज मतलब राजन जी की लघु फिल्में भी दिखाई गई, उसके बारे में कुछ? अरे बाप, दुनिया के इतने बड़े स्टार जो चार्ली चैपलिन है उनको कॉपी करते हैं, चार्ली चैपलिन 2 है इनके ऊपर, तो मैं अभी एक शॉर्ट फिल्म बनाने वाला हूँ, अभी मेरा दिमाग चल रहा है। जय हो, जय हो। राजन जी को उसमें नेगेटिव रोल होगा, जिनका चार्ली चैपलिन के अंग में नेगेटिव रोल कराऊंगा, जो दुनिया को हंसाते हैं और कैसे अपनी जिंदगी बच्चों के साथ जीते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। अच्छा, मैंने आज मैंने डाल दिया दिमाग। चार्ली चैपलिन लोगों के पार्टी में जाता है और कैसे वहां से बच्चे गायब होते हैं, कैसे चार्ली चैपलिन अपने नहीं नहीं राजन जी के साथ वो जब क्लाइमैक्स होगा तो अभी देखेंगे, अभी दिमाग में डाला है मैंने, अब देखते कैसे है, सोचा है। दिल से धन्यवाद है। टीनू सर, मैं एक बहुत अच्छी बात है जो मैं शुरू से कहता आया हूँ कि आप न्यू कमर को हमेशा सपोर्ट करते हैं, और हर दिन मेरे लिए एक नयापन होता है। मैं एक स्टूडेंट, आज देखिए आज का दिन इसलिए भी खास है कि एक तो दादाजी की पुण्यतिथि है और हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन है, तो बहुत बड़ी बात है, और पूरी दुनिया में आज स्टूडेंट दिवस मनाया जाता है, तो बीइंग ए स्टूडेंट मुझे सीखने में बड़ा मजा आता है, और मैं अपने गुरुजी से हमेशा सीखना चाहता हूँ, इनके सानिध्य में रहकर अच्छा काम करना चाहता हूँ, अभिनय की बुलंदियों को छूना चाहता हूँ, टच करना चाहता हूँ, ये ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश आज पूरी हो रही है क्योंकि टीनू सर ने ऑन कैमरा कह दिया है कि राजन को मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है ये। थैंक यू, दिल से धन्यवाद है। आज राजन जी का मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमें सबको सम्मिलित करने का अनुरोध किया, और हमने यहाँ पर आकर अयोध्या सिंह जी के बारे में ज़्यादा जानकारी मिली, और अयोध्या जी के जो उन्होंने 17 एकड़ ज़मीन दी है, सिर्फ उस समय जब देश पैंडेमिक में गुजर रहा था वहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल के लिए अपनी ज़मीन देना और अपना त्याग देना, और सिर्फ इतना ही नहीं था, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को उनको अपने घुटने पे ला दिया था, उस योद्धा को, उस महान योद्धा को, उस स्वतंत्र वीर को मैं नमन करता हूँ, उनकी पुण्यतिथि पे मैं दोनों करबद्ध होकर उनकी प्रार्थना करता हूँ, और आज इतने दिनों के बाद भी राजन जी ने उस पुण्यतिथि को याद किया, और बम्बई जैसे इस जहाँ पे कि लोगों के पास टाइम नहीं है वहाँ इतने सारे लोगों को बुलाकर सबको सम्मिलित कराया और उनको याद किया स्वतंत्रता सेनानी को, और उसी बीच में उन्होंने जो शॉर्ट फिल्में चलाईं, वो सारी शॉर्ट फिल्में अगर हम देखें तो सच्ची पुण्यतिथि और सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही होगी कि जो हम जो राजन जी ने उसमें परिचय किया, हम लहरिया कट ना करें तो ये देश के लिए हमारे योगदान ही होगा ना, अगर हम अपने देश को स्वच्छता रखें तो ये भी हमारा योगदान होगा देश के लिए, कोई ज़रूरी नहीं कि हमको गोली खानी है या कुछ करना है, हम अपने देश को जितना सौंदर्यीकरण करें, जितना अपना योगदान दे सकें, जितना हम डिसिप्लिन रहें, जितना हम अपना कैरेक्टर ऊँचा रखें, बबलगम पिक्चर से जैसे उन्होंने दिखाया, तो सारी चीज़ों का अनुकरण उन्होंने अपने दादाजी से सीखा है, और जितनी पिक्चरें बनी हैं नोइंगली अननोइंगली उन्होंने उसी चरितार्थ को, उसी चरित्र को अपने कैरेक्टर में किया, अपने उजागर किया है, तो इट वाज वेरी सिंक प्रोग्राम कि पुण्यतिथि भी थी और जो भी उनकी 4-5 फिल्में दिखाई गई सारी की सारी उससे रिलेटेड थी, तो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है कि राजन जी ऐसे काम में सम्मिलित हैं, और अभी भी उनको नेशनल अवार्ड मिला है, सारे के सारे जितने भी राष्ट्रपति भवन में जाने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और आगे हम चाहेंगे कि ऐसे हमारे होनहार कलाकार को पद्मश्री तक पहुंचाए हम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आज इस समारोह में, आज जो आयोजन हुआ है यहाँ पे हमारे स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि है, और उनके बच्चे, उनके पौत्र राजन जी
बहुत बढ़िया आयोजन किया था। यहाँ पे 5-6 फिल्मों की, शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई और वो सारे जितने भी फिल्म यहाँ चली है वो सारे कुछ ना कुछ अलग संवाद लिए आए हुए थे या दिखाया गया उस फिल्मों के माध्यम से कि समाज में कैसे रहना चाहिए। हमारे स्वतंत्रता सेनानी तो हमें सौंप कर गए हमारे सुंदर भारत को, लेकिन उसको और सुंदर बेहतर कैसे बनाया जा सकता है वो फिल्मों के माध्यम से दिखाया गया। बहुत ही अच्छा लगा। कवि गोष्ठी भी हुई थी जो बहुत ही अच्छा लगा, तो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ है यहाँ आके। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है और हमारे देश के जो सच में सच कहे तो आज हम लोग सांस ले रहे हैं, तो इन लोगों की वजह से सांस ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी। आज हमारे मित्र जो है हीरो राजन कुमार जी के दादाजी अयोध्या प्रसाद जी को जो है हम हार्दिक हम नमन करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर राजन जी ने बहुत ही बढ़िया और अच्छा कार्यक्रम इन्होंने ये किया है। ख़ास तौर पे इन्होंने जो शॉर्ट्स फिल्म दिखाए एक से बढ़कर एक मैसेजफुल था, बहुत ही प्यारा। और जो दादाजी से इन्होंने जो सीखा है और उस चीज़ को दादाजी ने जैसे देश के लिए वो किया है, तो इन्होंने बॉलीवुड के लिए भी एक एक चीज़ें योगदान की है। तो बहुत आभारी हूँ मैं, राजन जी ने हमें बुलाया, अच्छा कार्यक्रम दिखाया। एक चीज़ और है कि इसी पुण्यतिथि के अवसर पर और इनकी जो मेहनत रंग लाई है, तो उसमें मैं आज ये कहना चाहूँगा जो मेरी फिल्म है जय लक्ष्मी नारायण, वो उसमें आज ही मैं ये कह दूँ, अनाउंस कर दूँ कि एज ए हीरो मैं राजन कुमार जी को लेऊँगा। धन्यवाद। मेरी फिल्म में दो हीरो हैं जिसमें से एक हीरो राजन कुमार जी होंगे, दूसरा बहुत जल्दी अनाउंस होंगे। ख़ास तौर पे जो जय लक्ष्मी नारायण जी ने नारायण जी अरुण गोविल जी होंगे वो भी अनाउंसमेंट बाद में होगी, बट मैंने सोचा कि आज इस शुभ अवसर पर इनको ये हक बनता है। जय हो दादाजी। जय नमस्कार। मैं जय नीलम। आज सब कुछ सबने सुन लिया कि इतना बड़ा दिन है, दादाजी मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हम इसी देश के हैं, इसी देश में पैदा हुए हैं जहाँ हमारे पूर्वज इतना कुछ करके गए हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है और राजन को छू रही हूँ क्योंकि इसके सौभाग्य से आज हम लोगों का सौभाग्य भी ऊँचा हुआ है। और फिल्मों के बारे में क्या बताऊँ, सभी ने देखा है और सभी में एक मैसेज है। और गिरीश जी ने बहुत अच्छा बोला कि हम कुछ ना करें, सिर्फ उस राह पे चल के देखें। तो आप चल के तो देखो, कारवा अपने आप बनता है। और अच्छी सीख तो हमेशा सीखना चाहिए, और ना सीखे तो फिर तो हम अनाड़ी हैं। राजन का बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ आए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो याद किया मुझे, थैंक यू। नीलम दी इंडस्ट्री का बहुत अहम किरदार है, इम्पा में है, लेडी बॉस हैं आप, और दीदी हमेशा हम कलाकारों को प्रोड्यूसरों को कंट्रोल कर रखती हैं और प्यार देती हैं, सही मार्गदर्शन देती हैं, और आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी, मैं बहुत खुश हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और दादाजी बहुत खुश हो रहे होंगे दीदी कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। अरे नहीं, हमारा सौभाग्य है कि हमको यहाँ बुलाया गया। दिल से धन्यवाद आपका। इस आयोजन को मैं सार्थक पहल के रूप में देख रहा हूँ, इससे और लोगों को भी मतलब उत्साह बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ऐसे आयोजन राजन जी करके और हम लोगों को एक मंच पर बुला के ये बहुत बड़ा काम किए हैं, हम लोग शुक्रगुजार हैं और तह दिल से उनके साथ हैं। आज इनकी लघु फिल्में भी कुछ चली थी, आज जो उनकी जितनी भी सारी मतलब लघु फिल्में आज दिखाई गई हम लोग देखें, वो सभी सराहनीय हैं और नसीहत देने वाली फिल्में हैं ये, जिससे इन ऐसी फिल्मों के प्रदर्शन से समाज को एक नई दिशा मिलेगी और समाज का दशा में भी सुधार आएगा।